अरे री, ये क्या हो रहा है? टेनी यू मुसीबत में घिरी है और पार्थ को वहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। आज तो दिल से दिल तक में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई सीरियल में मैडम जी आई है तो ऐसा कुछ तो होना ही था। देखिए देखिए कैसे अपनी नन्ही सी बच्ची इप्सिता को हाथ में लेकर पार्थ और टेनी मैडम जी के गुंडों से छिप रहे हैं। कभी गाड़ी के पीछे तो कभी टेम्पो पर टायरों के पीछे। आज तो टेनी और पार्थ अपनी बेटी को मैडम जी के चंगुल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अपनी कोशिश में ये दोनों ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गए थे, लेकिन तभी सीन में आया ट्विस्ट और ड्रेनेज में फंस गया टेनी का पैर। अरे नहीं, पहले की इप्सिता को बचाते बचाते बेचारी टेनी फंस गई खुद ही खतरे में। देखिए कैसे मैडम जी टेनी पर कर रही हैं थप्पड़ की बरसात। सीन को जरा ब्रेक देते हैं और चलते हैं टेनी पार्थ के पास और उनसे ही जानते हैं इस सीन के बारे में। और हाँ, ड्रेनेज में पैर फंस जाता है तो मैं पार्थ को बोलती हूँ कि इप्सिता को ले जा, बिकॉज एक्चुअली तो हम इप्सिता को बचाने आए थे ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। और मैं सिचुएशन से डील कर लूंगी क्योंकि मैं इन लोगों को जानती हूँ और वर्स्ट केस क्या होगा कि मुझे लोग जमुना हाउस में रख लेंगे, वो तो मैं पहले भी रह चुकी हूँ। तो इप्सिता के लिए मैं ये सैक्रिफाइस कर दूंगी, बिकॉज पार्थ हैज टोटली चेंज टेनी एज अ पर्सन। जो टेनी सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, आज वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। पार्थ, टेनी आपकी बेटी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करेंगी तो क्या अब आपका नजरिया टेनी के लिए चेंज होगा? ये इंसिडेंट के बाद पार्थ का जो नजरिया है इसके टेनी के लिए वो शायद बदले। पार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि टेनी इतना सब कुछ करेगी मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए। वो नजरिया उसके टेनी के लिए बदल जाएगा। वेल, जब पार्थ और टेनी गुंडों से छिप रहे होते हैं तभी हमें इन दोनों के बीच देखने को मिलता है एक क्यूट रोमांटिक मोमेंट। तो पार्थ, क्या यहीं से होगी आपके और टेनी के प्यार की शुरुआत? अभी नजदीक आने की शुरुआत हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्थ बिल्कुल पिघल गया, बट हाँ पार्थ का नजरिया बदल गया है क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ गए थे जो टेनी सैक्रिफाइस कर रही है इप्सिता के लिए, मेरे लिए। लेकिन हाँ, टेनी का सॉरी पार्थ का नजरिया बिल्कुल बदल गया। आपको बता दें कि जब टेनी मैडम जी के चंगुल में फंसी होंगी तभी आएगा एक और ट्विस्ट। सही वक्त पर लौट आएंगे पार्थ, वो भी पुलिस के साथ। और हाँ, इस बार मैडम जी को अरेस्ट करवाने के लिए पार्थ के पास पुख्ता सबूत भी हैं। जाने से पहले मैंने एक कैमरा अपने पास रखा होता है जिससे सारे काले धंधे तो मैडम जी को रिकॉर्ड हो जाए, वो मैं एंड में रिवील करता हूँ कि क्योंकि पुलिस के पास कभी भी सबूत नहीं होता है मैडम जी को पकड़ने के लिए। लेकिन इस बार कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका है और मैडम जी पकड़ी जाती है। नाउ मैडम जी इज गॉन एंड वी गोना लिव हैप्पीली नॉट एवर आफ्टर बट फॉर सम टाइम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैडम जी को अरेस्ट करवाने के बाद पार्थ और टेनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी घर चले जाएंगे तो आप एक बार फिर गलत है जनाब, क्योंकि सीन में आएगा शॉकिंग ट्विस्ट और पार्थ को लग जाएगी गोली। हाँ, मेरे को गोली लगेगी। अब मैं वो रिवील नहीं करूंगा कि मुझे कहाँ गोली लगेगी, उसके लिए आप देखिए प्लीज मंडे टू फ्राइडे। ये तो आज के लिए टू मच ड्रामा हो गया। वेल पार्थ एंड टेनी, अब ये भी बता दीजिए कि एक्शन, ड्रामा और इमोशन से भरे इस आउटडोर शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा ही मजा आ रहा है, बिकॉज सेट से बाहर निकल के एक्शन ड्रामा, मतलब लिटरली छिल कट चुके हैं हर जगह से। आई एम लाइकिंग इट। इसको मजा आ रहा है बट मुझे नहीं आ रहा। मुझे सेट पे काम नहीं लेंगे मेरे बच्चा, मुझे सेट पे काम करा लो भाई, इधर गर्मी बहुत है। जाते जाते आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं। पार्थ जिस गोली के शिकार हुए हैं उस गोली का निशाना असल में टेनी थी, लेकिन टेनी को बचाकर पार्थ खुद हो गए घायल। यानी टेनी और पार्थ के रिश्ते में अब कहीं ना कहीं प्यार की शुरुआत हो ही गई है।